दोस्तों हर जॉब के लिए कुछ वर्कप्लेस स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं जो आप अपनी एजुकेशन के दौरान सीखते रहते हैं। कुछ स्किल्स ऐसी भी होती हैं जो अगर आप सीख लेते हैं तो वो आपको पे भी करने लग जाती हैं, वो आपकी अच्छी खासी इनकम का जरिया भी बन जाती हैं। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी ही 3 स्किल्स शेयर करेंगे जो हाई इनकम स्किल्स के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको इसी तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलते हैं। तो हम चलते हैं स्किल्स की तरफ। नंबर 1, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जिस स्किल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, बहुत जबरदस्त रेटिंग दी है, वो है डेटा एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन। आजकल आईटी के दौर में हर बिजनेस का इन्हिसार डेटा पर है। कोई बिजनेस किस एरिया में, किस तरह के लोगों में, किस तरह फले फूलेगा, किस तरह चल सकता है, प्रोडक्ट को लोगों के जहनों तक कैसे पहुंचाना है और इसके रिलेटेड और बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो कंपनीज ऐसे इंप्लॉइज को तरजीह देती हैं जो डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और ऐसा डेटा हासिल करना जिससे कंपनी को फायदा हो, ऐसे इंप्लॉइज को कंपनीज तरजीह देती हैं। डेटा हासिल करने और इकट्ठा करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, एसक्यूएल और पाइथन वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, बल्कि उनमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अमेरिका में बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट को $70,000 तक पे दी जाती है, डेटा इंजीनियर को $90,000 तक और डेटा साइंटिस्ट को $100,000 तक पे किया जाता है। नंबर 2, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज और कंपनीज आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही हैं। वो अपने चैनल्स, अपने पेजेस और अपनी एप्स बना रही हैं, जिन्हें बनाने और चलाने के लिए उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ऐप डेवलपर्स की जरूरत है जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जानते हों, उनको कोडिंग आती हो। इसलिए अगर आप आईटी में आना चाहते हैं तो ये चीजें सीखें, ये स्किल्स भी हाईली पेइंग स्किल्स में आती हैं। और नंबर 3 पे है पर्सनल ट्रेनर। ये बहुत ही जबरदस्त और आसान और हाईली पेइंग स्किल है, लेकिन इसके लिए पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। आप फिटनेस के माहिर हैं, एजुकेशन में माहिर हैं, आईटी में माहिर हैं या किसी भी और चीज में, आप वो सिखाना शुरू कर दें। पर्सनल फिटनेस ट्रेनर की तो बड़े सिटीज में बहुत ज्यादा मांग है और फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी बहुत ज्यादा मांग है। आप अपने एरिया के मुताबिक देखें आपके पास क्या चीज है या आप अपने एरिया में क्या आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वो चीज सीखें और सिखाना शुरू कर दें। मैं टीचर हूं, एजुकेशन में माहिर हूं, लर्निंग में, एग्जाम की अच्छी तैयारी करवाने में, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, कंसंट्रेशन सिखाने में और एजुकेशन के रिलेटेड और बहुत सारी चीजें करवाने में मैं माहिर हूं। इसी तरह आप भी किसी भी काम के माहिर बने और उसके ट्रेनर बन जाएं। फॉरेन कंट्रीज में इसका $20 से $30 फी घंटा पे किया जाता है। दोस्तों आपको ये सब जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही मजीद अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया।